हाँ, घुमाते ही मुझे दिखाई दिया मैजिक एयर। जैसे आप ऐसे निकालोगे, here he comes. बॉक्स को साइड पर रख देते हैं, फिर यहाँ पर इसका ही के बाद उठाते हैं ये। ओके, क्या क्या है बॉक्स में, चलिए देखते हैं। केबल वाय, उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे खोल भी सकते हैं आप, फिर इसको ऐसे करके लगा भी सकते हो। वाह, इसके साथ साथ इसका वायर जो है ना भैया, काफी लंबा है। देखिए पहले बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन लंबा मुझे मिला। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज, मतलब ये आपका, मतलब दूर तक आप लगा सकते हो इस टाटा केबल को। राइट, चलिए इसको साइड में रख देते हैं। ये तो मैंने खोल दिया है नया मैकबुक एयर, और देखिए बहुत बहुत पतला है, शायद इतना पतला है कि इसे क्या आप अपना सब्जी भी काट सकते हो, लेकिन काटना नहीं भैया, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या छुरी लेकर ही काटना है आपको, इससे नहीं, बिल्कुल। ओके, तो चलिए दोस्तों आपको दिखा दूं ये। टू ट्रांसफर योर फाइल्स, टू रिचार्ज, ठीक है। फिर दूसरे साइड में, ऑन योर राइट साइड वी हैव, हाँ, 3mm का हेडफोन डालने के लिए यहाँ पर दिया गया है। राइट, बाकी कुछ नहीं है भैया इसमें। हाँ, अब ना पतला इसीलिए क्योंकि बताया जाता है कि भैया इसमें क्या है, फैन नहीं है, एयर से कूल होता है ये। देखिए ब्रांड न्यू 4 रबर दिया है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ताकि बोर्ड में स्क्रैच ना हो। राइट, चलिए अब इसको खोलते हैं। मुझे ये पता चला है कि भैया इसको खोलते समय ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, यानी कि ऑन द बटन दबाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, मतलब इतना पतला भी है, लाइट भी है, फिर भी देखिए भैया एक उंगली से आप खोल सकते हो इसको, यानी कि लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। देखिए, देखिए खुल गया है, ठंग साउंड भी आ गया, खुल गया है। और इसके ऊपर पेपर है, इसको हटाइए और देखिए, हेयर इज द एप्पल। दोस्तों अभी इसके बाद अब कैसे अपडेट करना है, क्या करना है, बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी नॉर्मल तरीके से, मतलब इफ़ यू कैन रीड एंड राइट, तो आराम से आप इसको खोलकर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, राइट, तो उसको हमेशा कहीं ना कहीं सेव करके ज़रूर रखना, कहीं भूल ना जाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आईपैड था मेरा, बहुत आगे मैंने लिया था, आई फॉरगॉट आईडी एंड पासवर्ड, और मेरे पास रिसीट भी नहीं था। एक्चुअली वो मैंने बहुत बहुत साल पहले मंगवाया था बाहर से, यूएसए, लेकिन अभी वो डब्बा की माफी के ऑफिस में ऐसे पड़ा हुआ है वो आईपैड। चलिए दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया आपको, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। राइट, चलिए
हाय फ्रेंड्स, दिस इज आरजेडीटी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए, देखिएगा, मजा लीजिएगा। और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाई है, एंजॉय कीजिएगा। अगर देखी तो वेरी गुड, नहीं देखी तो देखिएगा, देखी और एक बार देखिएगा, ओके। लेकिन दोस्तों, खरीदने से पहले की कहानी क्या है सुनिएगा ध्यान से। आज मैं बताऊंगा भैया फनी या फिर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि भैया मैं मैकबुक ले लो, राइट। वो दिन आ ही गया और हमने ठान लिया कि भैया आज तो मुझे लेना ही है मैकबुक। तो हम गए सिवोक रोड में, इमेजिन बोलकर एक शोरूम है, वहां पर सिर्फ एप्पल का प्रोडक्ट मिलता है। तो हम गए वहां पर और फिर हमने पूछा भैया मुझे मैकबुक लेना है। तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि एक्सचेंज ऑफर भी है। टंग, दिमाग का बत्ती जल गया भैया, यानी कि पुराना लाओ और नया लेकर जाओ। ओह, तो फिर मैंने उनको बताया कि भैया मेरे पास एक पुराना आईपैड है, बहुत पुराना है, राइट। तो उन्होंने कहा लेकर आओ। तो फिर हम दो दिन बाद गए, दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा चेक करना पड़ेगा, चेक करवाओ भैया। तो उन्होंने चेक करने के बाद कहा कि भैया ठीक है, मुझे बताया गया कि आईपैड का मिलेगा 2000, राइट। तो मैंने कहा 2500 रुपये भैया। उन्होंने कहा नहीं, 2000, 2500 सर। तो उन्होंने कहा ठीक है 2500। बार्गेनिंग तो चलता है ना भैया, अगर आप इंडिया में तो बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो फिर मजा आएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे भैया एप्पल आईडी के साथ साथ पासवर्ड भी डालिए। तो फिर हम ऐसा ऐसा करके डाल दिए, तो नॉट एक्सेप्टेड आया, टंग करिए, फिर डाला नॉट एक्सेप्टेड, तीन बार डाला नहीं एक्सेप्टेड। तो फिर हम कन्फ्यूज हो गए, कन्फ्यूज में दिमाग का तार जो है ना भैया वो जल गया और हम भूल गए अपना पासवर्ड के साथ साथ एप्पल आईडी। कंफ्यूज में दिमाग का तार जो है ना भैया वो जल गया। तो फिर 2000 या 2025 का आईपैड जो है ना भैया खाली बड्डा की तरह बन गया। उन्होंने कहा अब एक्सचेंज नहीं होगा। सचमुच, ओह गॉश। फिर हम ले गए वापस ऑफिस और उसको अपने बॉक्स में डाल दिया। तो एप्पल का आईडी हो या पासवर्ड हो, ध्यान से दिमाग के कोपचे में ऐसे जगह रखिए और लॉक करके रखिएगा, कहीं भूल ना जाए आप भी। 2500 डिस्काउंट लेने की कोशिश की थी, वो हुआ नहीं, तो अब पूरा पूरी 92,900 ही देंगे। तो फिर हम गए शोरूम में जो कि है सिटी सेंटर में, बड़ा सा, इमेजिन बोलकर, मतलब बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट वहां पर मिलेगा। हम गए सुबह सुबह 11 बजे को, क्योंकि 2 बजे को ऑफिस भी जाना था। तो हमने सोचा था कि भैया 12 बजे तक हम लेकर आएंगे, घर में देखेंगे, एक घंटे में मजा लेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे। तो फिर 11 बजे को हम गए वहां पर सिटी सेंटर, तो छाती फुला करके भैया 90,900 का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं आपसे। अंदर का ड्यूटी बता रहा था कि थोड़ा छाती फुला कर जा भैया, इतना महंगा जो खरीद रहा है। तो फिर हम गए वहां पर, तो मैंने पूछा भैया मुझे मैकबुक एयर चाहिए। तो उन्होंने कहा कौन सा कलर, सिल्वर कलर का, क्योंकि मुझे यही पसंद है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सर, आई एम सॉरी टू से, उन्होंने कहा कि मैकबुक एयर सिल्वर कलर का नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ गोल्ड कलर का है। ग्रे भी नहीं था उस समय, ग्रे तो मुझे पसंद भी नहीं था, और साथ ही साथ गोल्ड भी मुझे लेना था तो सिल्वर ही। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें फोन नंबर दीजिए और नाम दीजिए, हम फोन करेंगे आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो फिर हमने चेक किया, ऑनलाइन चेक करते वक्त मुझे मिला प्लेस वेल बोलकर एक सिलीगुड़ी सेवक रोड में है शोरूम। तो वहाँ का फ़ोन नंबर मैंने लिया और फ़ोन किया वहाँ पर, उन्होंने कहा है। तो हम कल को सुबह सुबह 11 बजे को गए वहाँ पर, ताकि मैं जल्दी पहुँचूँ, जल्दी लेकर आऊँ, वही सोच कर कि 2 बजे को मुझे ऑफिस पहुँचना है, राइट। तो फिर हम गए वहाँ पर शोरूम में, प्लेस वेल शोरूम। तो फिर जिन्होंने स्वेप और पेमेंट कर दिया उनके बीच, यानी कि उनके सेल्स बॉयज के बीच गलत फहमी हो गई, कैश पेमेंट कर दिया उन्होंने बिना कैश बैक का। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये इसका पेमेंट तो हो गया, ऐसा करते हैं कि इसका पेमेंट आपको रिफंड कर देते हैं, फिर यही कार्ड से आपको मैं कैश बैक करवाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने स्विप किया, एक बार, दो बार नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने फोन उठाया आराम से वहाँ सामने से, तो अपने बॉस से बात कर रहे होंगे शायद उस समय। तो मतलब जिस तरह से आगे फोन पर बात कर रहा था चिल्ला चिल्ला कर, उनका आवाज़ कम हो गया भैया। तो मेरा फिर दिमाग का बत्ती जल गया, भैया कुछ गड़बड़ तो है या कुछ गड़बड़ तो हुआ है, राइट। तो फिर मैंने कहा कि भैया आज क्या हो गया। तो उन्होंने कहा सर आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है,
कैशबैक इसमें नहीं होगा बॉक्स में, क्योंकि बॉक्स का आईडी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा भैया अच्छा तो क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा एप्पल फोन जो है ना भैया, आईफोन, इसका कैशबैक हम इस नंबर से करवा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा होगा? तो उन्होंने कहा होगा सर, क्यों नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अगर 6000 मुझे 120 दिन बाद अगर मिल जाए तो भी ठीक है, राइट। तो फिर हमने सोचा कि भैया अच्छा, कुछ दिमाग में तो गड़बड़ चल रहा था मेरा, क्यों आस्ते आस्ते बोला फिर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, अब करेंगे क्या। तो फिर मैंने सेल्स बॉय को कहा अच्छा ऐसा कर लो, मेरा कार्ड दे दो वापस, पहले वो कैशबैक करवा दो, फिर उसके बाद हम लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मालिक से बात की, मालिक ने भी कहा ओके। कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। अच्छा 15-20 मिनट है तो ठीक है, हम यहीं पर रुकेंगे। तो फिर वहाँ पर चेक आए, नाम लिया हमारे से और अकाउंट नंबर लिया। तो फिर 15-20 मिनट बाद मैंने पूछा तो यहीं पर, अच्छा 15-20 मिनट होने वाला काम, अभी तक वो डिपॉजिट करने के लिए वो गए नहीं, तो वहाँ से वो तब निकले। तो फिर वो वापस आए, वापस आने के बाद मैंने पूछा उनको 15-20 मिनट में हो जाएगा सब, आपके मालिक ने कहा क्या हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, इतना जल्दी तो नहीं होता, 1-2 घंटे लगता है। अच्छा 1-2 घंटे, तो 12 बज चुका था, फिर 1-2 घंटे का मतलब ये है कि भैया ऑफिस 2 बजे मुझे पहुंचना ही है। तो फिर हम वहां से निकले, क्योंकि मुझे ऑफिस जो पहुंचना था। फिर हम निकले, घर आए, ऑफिस गए, 2 बजे 3 बजे 3 बजे के बाद ऐसा तो आए नहीं, नहीं तो मैसेज आना चाहिए था। तो फिर हम गए HDFC में, तो वहाँ पर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक आए नहीं। तो चलते चलते 5:30 को मतलब आ गया वो पैसा वापस। तो फिर नेक्स्ट डे को सोच रहे थे भैया करें क्या, वही दुकान से लेना है या फिर नहीं लेना है। तो फिर हम कन्फ्यूज़ में थे, तो इसीलिए कन्फ्यूज़ को दूर करने के लिए तो फिर मैंने क्या किया, एप्पल के सर्विस सेंटर को मैंने फ़ोन लगाया और वहाँ मैंने पूछा कि ये हुआ मेरे साथ तो क्या करें। तो उन्होंने कहा श्योर नहीं हो तो मत लीजिएगा, 2000-6000 फिर ना लेने की सलाह सर्विस सेंटर से। तो मैंने फिर उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया मोबाइल का कोड आईपैड से कैसे, ये तो उनको भी पता नहीं, वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो ना लें, तो ये प्रोडक्ट आप हमारे से भी ले सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा लेकिन प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, हाँ 92,900 है, लेकिन उसके साथ साथ एक फैसिलिटीज़ भी है जो कि आपको भी सुनना चाहिए, जो कि स्टूडेंट कंसेशन, वही चीज़ आपको मिलेगा अगर आप स्टूडेंट कंसेशन लेते हो। तो कितने में? 83,610। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 92,900 का प्रोडक्ट घूम फिर कर मुझे मिलने वाला था 83,610 में। तो मैंने कहा भैया ये आईडी तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि स्कूल कॉलेज छुड़े हुए बहुत साल हो गए। तो ये सुनकर फिर दिमाग का बत्ती टंग करके जल गया और कहा भैया 83,610 का प्रोडक्ट जो मिलने वाला था तुझे वो भी गया हाथ से। तो उन्होंने कहा भैया आपका घर में जो भी हो, नेफ्यू नीज, उनका आईडी से भी काम चलेगा। फिर मेरा दिमाग बत्ती के साथ साथ शरीर का करंट भी चल गया। अच्छा तो मैंने फट करके अपने नेफ्यू को फ़ोन किया और बताया कि भाई तेरा आईडी है तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करके भेज दे। फिर उस इंसान ने कहा कि भैया यही प्रोडक्ट आपको अब मिलने वाला है, कितना, 92,900 का प्रोडक्ट 83,610 में। तो अब सेव हो गया मेरा कितना, 9,290। कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे। चलिए दोस्तों ये थी कहानी। अगर ऐसा ही कुछ फनी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है कुछ करने से पहले या कुछ करने के बाद, हम ऐसे ही बताएंगे आपको YouTube में। मजा जरूर लीजिए।